हाय गाइस, वेलकम बैक टू रेन ट्रिया। तो आज हमारे एरिया में बहुत ही सोशल गैदरिंग हुई है बहुत सारे लोगों की। उसमें हर टाइप की चीज़ आप देख सकते हो, क्या क्या दिखा रहे हैं, आर्ट दिखाया और मेला टाइप, इन सॉर्ट ऑफ मेला ही लगा था। बट इस मेले की खास बात ये थी कि यहाँ सोनू निगम आया हुआ था, नेहा कक्कड़ आई हुई थी। आप आगे देखेंगे नेहा कक्कड़ और सोनू निगम की थोड़ी सी झलक तो नहीं, मैं बहुत सारी झलक दिखाऊंगी। म्यूज़िक मैं सुना नहीं सकती, नेहा कक्कड़ की आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, मैं इसलिए नहीं सुना सकती म्यूज़िक सोनू निगम और नेहा कक्कड़ का, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं आपको सुनाती, क्योंकि मैंने लाइव सिंगिंग देखी। इवन नेहा कक्कड़ के हस्बैंड ने भी सिंगिंग करी, देखी आप उसको, देख सकते हैं उनको। और ऐसी नाइट बीती बहुत ही अच्छा, बहुत टाइम बाद में इतनी बड़ी गैदरिंग में गई थी, अच्छा ही लग रहा था। बट भीड़ की वजह से ना उतना फ्रंट में एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, एकदम पीछे तो उतना दिखाई नहीं दे रहा था। बट मैंने कोशिश करी आपके लिए शूट करने के लिए, तो आप देखिए बहुत ही पटाखे वटाखे एकदम डिस्को नाइट टाइप क्रिएट कर दिया था। लोग अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर करके रिकॉर्ड कर रहे। बहुत ही अच्छा व्यू, आप इंजॉय करिए, आगे देखिएगा आप व्यू। मैं आपको बाकी डिटेल्स थोड़ी बाद में बताती हूँ। और नेहा कक्कर को अगर देखना है तो लास्ट तक व्लॉग देखते रहिएगा गाइस। जोश बरकरार है। तो गाइस, अब आएगी नेहा कक्कर की लाइव सिंगिंग। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ देख सकते हैं, सुन तो सकते नहीं ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़, और मैं रिस्क तो लूँगी नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं शॉर्ट्स में डाल सकती हूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। सी कितना सुंदर लग रहा है, सबने अपने फ्लैश फ़ोन सब ऑन कर रखे हैं, क्योंकि नेहा कक्कर ने बोला अपनी फ्लैश ऑन करके रख लिया, दिल थाम के बैठी है क्योंकि मैं अब गाना गा रही। देखिए बहुत ही सुंदर व्यू था यार, आप एंजॉय करो गाइस देख के। Thank you.
जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, रात बहुत हो गई है और आज के लिए इतना इन्जॉयमेंट काफ़ी था। मेला, नेहा कक्कड़ सॉन्ग, सोनू निगम सॉन्ग, रोहन प्रीत का सॉन्ग, सब इन्जॉय किया मैंने। अब इट्स टाइम टू गो बैक टू होम और हम चलते हैं अब घर, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और मेरी तबीयत है ख़राब और तबीयत ख़राब हो जाएगी। आप मेरे लिए प्रेयर करना ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मैं जल्दी से और अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ वायरल। एक्चुअली गाइस टाइम तो लेता है, 5 to 6 days तो लेता है, तो बस एज इट इज़ 5 to 6 days लेगा, लोग रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब हम नेहा कक्कर को बोलेंगे बाय नेहा कक्कर, अब हम जाएंगे घर क्योंकि हमें सोना है, खाना है और हमें कल ऑफिस जाने के लिए प्रिपरेशन करनी है और व्लॉग भी तो एडिट करके डालना है गाइस। ये तो मेरा काम है, मुझे आपको दिखाना है। देखो मैं कितनी खुश हूँ नेहा कक्कर का लाइव सिंगिंग देख के, और ये जोमेटो वाले भैया तो भागते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है नेहा कक्कर के शो से उब गए। अरे डिलीवरी करनी होगी ना गाइस टाइम से। बाय गाइस, मैं कल फिर से मिलती हूँ नए व्लॉग में।